फिर कमल जिसे कोमल ने नो में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल ने नो में एकदम आंसू भरे आए। अरे आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए, कमल जिसे कोमल ने नो में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल ने नो में अपने हाथों पांव बखारे चरणों में सर देन लगे, अपने हाथों पांव बखारे चरणों में सर देन लगे। हम दोनों साथ पढ़े गुरुकुल में एक अलादा रहने लगे, डांटे से भी डटते ना ऐसे प्रेम के आंसू बहन लगे, डांटे से भी डटते ना ऐसे प्रेम के आंसू बहन लगे। रागनी की एक कली अभी आपके बीच में गाई है मेरे आदरणीय भाई साहब हरि सिंह जी, वो भी 100 रुपए दे रहे हैं। भाई मौजी राम जी झोटा वाले, हाँ वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। मेरे आदरणीय भाई जी हाँ कालू भाई जी बहादुरपुर से, वो भी 200 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। कार्तिक हुड्डा सनाव बंसी हुड्डा दयालपुर से, जिस छोटे बच्चे ने अभी 200 रुपए देकर के सम्मान बढ़ाया उस बच्चे के जन्म दिवस पर भी आने का सम्मान सौभाग्य हमें मिला। कार्तिक हुड्डा दयालपुर से, वो भी 200 रुपए दे रहे हैं। और बंडे खेड़ी से, हाँ वो भी 100 रुपए दे रहे हैं। भाई पन्नालाल जी मौजपुर से, वो भी 100 रुपए दे रहे हैं। और भी मेरे कई भाइयों ने जो पुरस्कार सम्मान हमें दिया, हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक निवेदन है भाई, नोट करते रहे, जो भी कोई पुरस्कार सम्मान दे करके जाए उनका नाम लिख ले, रागनी के बाद में सभी का नाम सम्मान से बोल दिया जाएगा मंच के द्वारा। रागनी समझ में तो आ रही है भाई? कार्तिक हुड्डा के लिए, क्योंकि ये बच्चा जिस दिन इसका जन्म हुआ तब भी हमें दावत खाने का सौभाग्य मिला, और जिस दिन इसका कुआ पूजन हुआ उस दिन गाने का भी सौभाग्य मिला। कार्तिक हुड्डा उनके तरफ से 200 रुपए पहले और 200 रुपए फिर दिए गए। एक बार जोरदार ताली इस बच्चे को आशीर्वाद के रूप में हो जानी चाहिए। कैसे बोला भराए साथियों, जिसके लिए स्वयं भगवान रोए हो, जिसके लिए स्वयं श्री कृष्ण जी महाराज और त्रिलोकीनाथ रोए हो, उससे बड़ा और यार, उससे बड़ा इंसान और कौन होगा इस दुनिया के अंदर। ले जाकर के श्री कृष्ण जी महाराज कैसे अपने यार सुदामा का सम्मान सत्कार कर रहे हैं। अरे ले जाके दिए हो,
सुदामा के घर में टोटा क्यों आया? चौधरी ब्रह्मपाल नागर जी के लिए 100 रुपए, हमारे गुरुजी ब्रह्मपाल नागर के लिए 100 रुपए हमारे भाई साहब ने दिए हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। कार्तिक हुड्डा 200 रुपए फिर दे रहे हैं। भाई कालू जी, जी हाँ, हमारे आदरणीय अंकल जी कृपाल थानेदार साहब जो दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छी ड्यूटी करते हैं, उनके छोटे भाई आदरणीय कालू भाई जी बहादुरपुर से, वो भी 500 रुपए देकर के कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। और मेरे भाई ज्ञान हुड्डा जी दयालपुर से, उन्होंने भी कई 100 रुपए सम्मान के रूप में दिए, हम सभी का बार बार धन्यवाद करते हैं। तीसरी कली में श्री कृष्ण जी महाराज सुदामा को वो बात याद दिलाते हैं बचपन की, कौन सी कैसे भला होके दोनों प्यार सखा, लकड़ी लेने गए जंगल में होके दोनों प्यार सखा। हाँ, रात अंधेरी सर छाकी में है परसा मुसलधार सखा, मेरी खातर अपने घर से क्या लाए उपहार सखा, मेरी खातर अपने घर से क्या लाए उपहार सखा। वो भी 100 रुपए दे रहे हैं। बंसी हुड्डा जी उनकी तरफ से भी 200 रुपए दे करके सम्मान किया गया है। भाई देख करके कोई बात नहीं, चालू कर ले, थोड़ा संगीत से थोड़ा सा अलग रहे। बादल भाई जी वो भी 100 रुपए दे करके मान सम्मान करते हैं। मेरा हाथ जोड़ करके भाई, जितने भी आप पीछे बैठे हो इनका थोड़ा सा ध्यान रखो, इनकी वजह से अव्यवस्था हो भाई। मेरा थोड़ा सा निवेदन है, संगीत से थोड़ा सा अलग, थोड़ी सी दूरी बना करके रखे मेरे भाई। बहुत प्यार सम्मान सत्कार आदर हमारे कलाकारों का मंच का कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद, पर निवेदन है कि थोड़ा सा संगीत से दूरी बना करके रखें। भाई ज्ञान हुड्डा जी 100 रुपए, कमांडो जी उन्होंने भी 100 रुपए, या की सुनिए भैया बाबू जी के, यतिन जी उनकी तरफ से भी 100 रुपए दिए गए हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और भी मेरे कई भाइयों ने जो पुरस्कार सम्मान दिया, सभी का बार बार धन्यवाद। कैसे बोला हुड्डा सनोप बंसी हुड्डा जी दयालपुर से 500 रुपए पहले 200 रुपए फिर उन्होंने दिए। और मेरे आदरणीय भाई, क्योंकि चाचा कृपाल थानेदार जी उनके छोटे भाई कालू भाई जी, उन्होंने भी 500 रुपए पहले और 200 रुपए दे करके फिर सम्मान किया, उनका बार बार धन्यवाद। श्री कृष्ण जी महाराज को श्री कृष्ण जी ने याद दिलाया सुदामा, जब हम बचपन में साथ पढ़ा करते थे, एक बार पता है गुरु जी ने लकड़ियां लेने के लिए हमें भेजा था तो क्या हालात हो गए थे। ये बात कहकर ही सुदामा, क्योंकि थोड़ा सा एक गड़बड़ कर दी थी सुदामा ने, गुरु माता ने चने दिए थे बच्चों भूख लगे जब खा लेना दोनों भाई, कृष्ण जी पेड़ पर लकड़ी तोड़ रहे थे, सुदामा लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे। सुदामा के मन में लालच आ गया, कहने लगा भी आ रहा हूं थोड़ा सा, मैं हल्का हुआ हूं, और जाकर के एक ओट में और वो सारे चने खुद चबा गए, अकेले खा गए। श्री कृष्ण जी लकड़ियां तोड़ करके आए, शाम हो गई, रात को बारिश भी आने लगी, दोनों को जंगल में रुकना पड़ा। कृष्ण जी कहने लगे भाई सुदामा, गुरु जी की तरफ से, गुरु माता की तरफ से जो चने दिए गए थे वो कहां, उनको निकाल ले। सुदामा कहने लगा कि भाई वो तो मैं जब लकड़ी इकट्ठी कर रहा था वो वहीं पे कहीं पोटली खुल गई, गिर गई। और उसका करना ये हुआ कि सुदामा के घर में तो टोटा आया और श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा हो गए।
लेकिन आज श्री कृष्ण जी महाराज अपने यार सुदामा को उस टोटे से मुक्त करना चाह रहे हैं। कहने लगे कि देख मेरे लिए भाभी ने कुछ तुझे दे करके भेजा होगा। सुदामा पोटली को पीछे की तरफ छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? गरीब आदमी कितना भी गरीब हो किसी को यह नहीं दिखाना चाहेगा कि मेरी गरीबी की किसी को पता चले। सुदामा गरीब थे ये सोच करके पोटली पीछे छुपा ली कि कहीं ये दरबार के लोग देख करके तुझे हंसने ना लगे, तेरी गरीबी का मजाक ना उड़ाने लगे, इसलिए पोटली पीछे की तरफ छुपा ली। लेकिन श्री कृष्ण जी महाराज ने क्या लीला दिखाई, कैसे भला भरे आ।